हाई एवरी वन, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। और मैं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता आज फिर आपके लिए एक जबरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्रत वाली तीन अलग अलग तरीके की चटनियाँ आप घर में आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। व्रत वाली टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लें। मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। व्रत में आप जो ऑयल यूज़ करते हैं वो आप ले लें, अगर आप नहीं ये खाते। गरम होने देते हैं इसको। चलिए, ऑयल अच्छा गरम हो गया। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और इसको भुनने देते हैं। चलिए, जीरा अच्छे से भुन गया। इसमें 2 टमाटर डाल देंगे, रफली आप चॉप कर लें। साथ ही इसमें 2 हरी मिर्ची डाल देते हैं और 20 से 25 कड़ी पत्ते और 1/2 टीस्पून इसमें सेंधा नमक डालेंगे जो व्रत में खाया जाता है। मिक्स कर देते हैं और 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही कुक कर लेते हैं और फ्लेम स्लो ही रखनी है आपने। झटपट से ये चटनी बन जाती है। इसको आप बना के स्टोर करके रख लें फ्रिज में, और कोई भी आप ऐसे मील्स खा रहे हैं, व्रत का खाना खा रहे हैं, तो उसके साथ आप ये खा सकते हैं। चलिए, 4 मिनट करीब हो गए हैं और इस टाइम पे टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अभी इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, ज़रा सी हींग डालनी है और थोड़ा सा पानी डालेंगे, जस्ट 1/2 कप के करीब मैंने लिया। मिक्स कर देते हैं। चलिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हमने स्लो फ्लेम पे वापस 5 मिनट और कुक करना है, जिससे सारे फ्लेवर्स अच्छे से आ जाएंगे आपस में। चलिए, 5 मिनट और हो गए हैं कुक होते हुए, सारे फ्लेवर्स अच्छे से रच गए हैं। अभी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। चलिए, जो हमने कुक किया था मिक्सचर वो तो ठंडा हो गया। अब आगे आपने ब्लेंडर जार लेना है, जिसमें आप चटनी पीसते हैं ना, वो आप ले लें। इसमें ये सारा डाल देते हैं। चलिए, अब इसमें 1/2 नींबू का रस हमने डालना है, थोड़ा खट्टापन भी आएगा चटनी में, खाने में अच्छा लगेगा। बस ये सारी चीज़ों को अच्छे से हमने पीस लेना है। कोई पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पहले ही डाला था। अब इसको पीस लेते हैं। चलिए, अब चेक करते हैं। ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त ये चटनी बनी है। आप ये चटनी को इस नवरात्रि ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। मूँगफली और नारियल की व्रत वाली चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन में मूंगफली डाल दें। 2 टेबलस्पून आपने लेनी है और ये कच्ची मूंगफली है। स्लो फ्लेम पे इनको हमने 4 से 5 मिनट भून लेना है। इसको चलाते हुए आप भून लें ताकि इवनली हीट आ जाए सारी मूंगफली में। ये चटनी को आप जैसे व्रत वाले आप डोसे बना रहे हैं, उत्पम बना रहे हैं, इडली बना रहे हैं, उसके साथ आप खा सकते हैं। इस टाइम पे आप देखिए ऊपर भी आपको लग रहा है ना, अच्छे से सिक गई है मूंगफली और इसका छिलका भी खुलने लग गया। बस फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। चलिए, मूंगफली तो सारी भुन गई है, अब इनका हमने छिलका अलग करना है। अब ये गरम गरम भुनी हुई मूंगफली को आपने क्या करना है, किचन टॉवल में डाल लेना है और इसको हम ऐसे रब कर देंगे। इससे क्या होगा, इसका छिलका अलग हो जाएगा। एक पोटली सी आप बना लें और ऐसे रब कर दें, हल्के हाथों से ही आपने करना है। ये आप देख रहे हैं ना, ऐसे सारी मूँगफली का हम छिलका निकाल लेते हैं। ये आप देखिए सारी मूंगफली के छिलके अच्छे से अलग हो गए ना। अब इनको हम अलग निकाल लेते हैं और आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब आगे आपने एक ब्लेंडर जार ले लेना है चटनी पीसने वाला। इसमें नारियल डालेंगे सबसे पहले, ताज़ा नारियल आपने लेना है और आपने इसका छिलका अलग कर देना है, जो ब्राउन वाला होता है ना वो आपने हटा देना है। 2 इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और ये भुनी हुई मूँगफली जिसका हमने छिलका अलग किया था। 1/4 कप इसमें दही डालेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें सेंधा नमक डालेंगे जो व्रत में खाया जाता है, और थोड़ा इसमें पानी डालेंगे ताकि अच्छे से ये पिस जाए। और अभी इसका एक तड़का भी बनेगा मज़ेदार सा। चलिए, अब ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लेना है। ये स्टेप मैं कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी इसका तड़का कैसे बनेगा। चलिए, अब चटनी को चेक करते हैं। ये आप देखिए, देखने में ये आपको लग रही है ना ज़बरदस्ती ये पिस गई है। चलिए, अब आगे इसका तड़का बनाते हैं। अब आगे तड़का बनाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। मैं नारियल तेल यूज़ कर रही हूँ, व्रत में आप इसको खा सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ऑयल ले लें जो आप यूज़ करते हैं व्रत में, लेकिन नारियल तेल से इस चटनी में ना टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। चलिए, ऑयल भी गर्म हो गया। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे, भुनने देते हैं जीरे को। चलिए, जीरा भुन गया। अब फ्लेम आपने ऑफ कर देनी है क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बहुत गर्म हो गया है।
अब इसमें 20 के करीब कड़ी पत्ते डाल देंगे। एक बार मिक्स कर देते हैं। चलिए कड़ी पत्ता भी क्रिस्पी हो गया। अब ये तड़के को हम चटनी में ऐड करते हैं। चलिए अब ये तड़का डाल देते हैं सारा। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और जब भी आप ऐसे डोसा या कुछ भी इडली बना रहे हैं व्रत में, तो आप ये चटनी के साथ खा सकते हैं। आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। व्रत वाली हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक चटनी वाला जार ले लें। इसमें एक गड्डी हरा धनिया डालेंगे। इसको पहले अच्छे से आप धो लें फिर यूज़ करें। और एक छोटी गड्डी पुदीने और इसके पत्ते ही लेने हैं आपने। डंडी अलग करके पत्ते निकाल लें, इसको भी अच्छे से धो लें। मतलब जितना आप धनिया ले रहे हैं ना, उसकी आधी क्वांटिटी आपने पुदीने की लेनी है। दो इसमें हरी मिर्ची डाल देते हैं। हाफ टी स्पून इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। जो व्रत में आप यूज़ करते हैं ना, वही डालना है। साथ ही हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे और आधे नींबू का रस हमने डालना है। ये व्रत वाली ग्रीन चटनी को आप साबुदाने वड़े के साथ या कुट्टू के आटे के पकोड़े या कुछ भी स्नैक्स आप बनाते हैं ना व्रत में, उसके साथ खा सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, जस्ट थोड़ा सा ही हमने डालना है, जिससे अच्छे से पिस जाए सारी चीज़ें। चलिए बस और कुछ नहीं इसमें डालना, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लेना है। ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त ये चटनी बनी है। आप इसको बना के ट्राई करें।